रिच रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बेसन चिल्ले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और ये सब्ज़ी बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बेसन चिल्ले की सब्ज़ी के लिए मैंने इस प्रकार इंग्रेडिएंट्स लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए, 2 मीडियम साइज का टमाटर कटे हुए, हरी धनिया की पत्ती है और आधा चम्मच इसमें साबुत जीरा है और काला राई है। 2 साबुत लाल मिर्च है और 2 हरी मिर्च साबुत है। 2 चुटकी हींग का यूज़ करेंगे। 2 चम्मच इसमें पीला सरसों है, आधा चम्मच इसमें जीरा पाउडर है, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर है और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर है। 15-16 कलियाँ लहसुन की है छोटी, इसके छिलके निकाल लिए हैं और आधा कप इसमें फेटा हुआ दही का यूज़ करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें सरसों का तेल यूज़ करेंगे और स्वाद के अनुसार नमक। आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च का यूज़ किए हैं। 1 कटोरी बेसन है, इसे अच्छा तरह से हम छान लेंगे। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 जार लेंगे, इसमें पीला सरसों, लहसुन और हरी मिर्च डालकर, पानी डालकर इसका पेस्ट इस तरह से तैयार कर लेंगे। फाइन पेस्ट तैयार करना है। अब एक बाउल लेंगे और चिल्ले का घोल तैयार करेंगे। बाउल में हम बेसन को डाल देंगे, नमक, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, बहुत थोड़ा थोड़ा मसाले डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। हमें घोल बहुत अच्छा से तैयार करना है, इसमें गुलठी नहीं रहना चाहिए और इस तरह से पतला घोल तैयार करना है, बिल्कुल गुलठी नहीं होना चाहिए। अब हम पैन लेंगे और इसे गर्म करेंगे और इसमें तेल लगा देंगे। पैन को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है और घोल को डाल करके डोसे के जैसा इसे हमें फैलाना है। इस तरह से हम फैला लिए हैं और इसे एक साइड से हमें हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इस तरह से पलट के दिखा दे रही हूँ, इस तरह से ब्राउन होना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ है और आगे साइड से कम पका है ये, तो आसानी से इसे हम रोल कर लेंगे, इसलिए हमें ऐसे ही रखना है। अब दूसरा चिल्ला भी हम तैयार कर लेते हैं और इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, 85% तक हमें कुक करना है। देखिए कितना अच्छा ये हो गया है, ऊपर का हिस्सा कितना अच्छा दिख रहा है और नीचे देखिए ज़्यादा नहीं पका है ताकि ये आसानी से रोल हो जा रहा है। ज़्यादा पका लेने पर ये ग्रेवी में जाकर बिखरने लगेगा और टूटने लगेगा, ज़्यादा हम अगर ब्राउन कर लेंगे तो। इस तरह से सारे चिल्लों को हम तैयार कर लेंगे और चिल्लों को हम काट लेंगे। चिल्ले को हम छोटा बड़ा अपने पसंद के अनुसार काट लेंगे। यकीन मानिए ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसमें लहसुन और सरसों का यूज़ किए हैं तो एकदम बिल्कुल ये मछली की तरह इसका टेस्ट लगता है। और अगर घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो हम बेसन चिल्ले की सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम कढ़ाई लेंगे, 4 बड़ा चम्मच इसमें सरसों का तेल डालेंगे, इसको गर्म करेंगे और इसमें फ़ौरन डाल देंगे लाल मिर्चा, जीरा और काला सरसों। जब फ़ौरन चटक जाए तो हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे और इसमें थोड़ा सा इसमें हींग डाल देते हैं और देखिए ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे, मीडियम फ्लेम पर ही हमें भूनना है। उसके बाद इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छा से चला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं ताकि मसाले ना जले और अच्छा से भून जाए। अब हम टमाटर को भी डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम ही करना है और टमाटर पक जाए और भून जाए इसके लिए हम थोड़ी देर तक मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट के लिए ढक लिए। उसके बाद देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, टमाटर पक गया है और मसाले भी भून गया है। तब हम इसमें दही डाल देंगे, फटा हुआ दही डालना है इसमें और दही और मसालों को अच्छी तरह से मिलाना है। अच्छा तरह से मिलाकर इसे भी हम ढक कर इसको पकाएंगे मसालों के साथ, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए पक गया है बिल्कुल, तक बिल्कुल ये पक गया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पहले ही हम डाल देंगे तो खुशबू इसमें चला जाएगा और कितना अच्छा ही कलर हो गया है, पक गया, अच्छा से मसाला भून गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, हमें थिक ग्रेवी चाहिए या पतली ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से हमें पानी लेना है और इसे ढक कर पकाना है। जब उबाल आ जाए तब तक हम इस ग्रेवी को पकाएंगे, जब उबाल आ जाएगा तो ढक्कन हटा देंगे और इसमें हम बेसन के चिल्ले को डालकर 2 मिनट के लिए इसको
पकाना है मीडियम फ्लेम पर ढककर, उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाने से ये टूट जाएगा। इसको साबुत ही रखना है और जैसे जैसे ठंडा होगा ग्रेवी भी इसकी ठीक होने लगेगी, पूरा उसमें ग्रेवी अंदर चला जाएगा चिल्ले में। अब इस में हम थोड़ा फ्रेश हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं और इसे चावल रोटी के साथ सर्व करेंगे और बहुत ही टेस्टी लगेगा। और जैसे ये ठंडी हुई ग्रेवी भी इसकी ठीक होगी, तो देखिए कितना अच्छा हो गया, थोड़ी देर के बाद ये ग्रेवी ठीक हो रही है और बहुत अच्छा बना और टेस्टी लग रहा है। तो बेसन चिल्ला के सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कैसी लगी। और मेरे ऐसे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।